नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे विक्रय संवर्धन और विज्ञापन का। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वैयक्तिक या व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज पर्सनल सेलिंग। यहां पर दो बातें आपको देखने को मिली हैं, वैयक्तिक या व्यक्तिगत विक्रय। तो ये दोनों टर्म्स, दोनों शब्द एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं, पर्सनल सेलिंग को, यानी व्यक्तिगत रूप से जो विक्रय किया जाता है उसकी बात की जाएगी। इसमें हम लोग इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को, व्यक्तिगत विक्रय के कार्य, इसके महत्व, लाभ और इसकी दोष और सीमाओं को हम लोग समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। व्यक्तिगत विक्रय से तात्पर्य, यानी वैयक्तिक विक्रय से तात्पर्य विक्रयकर्ता के द्वारा ग्राहक को आमने सामने बातचीत के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से है। बात क्लियर है, यहाँ पर कोई भी विक्रयकर्ता है, जो भी कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु को या फिर सेवा को बेचना चाहता है, यानी बेचने वाला है, वह क्या करता है, ग्राहक से व्यक्तिगत रूप में मिलता है और ग्राहक से बातचीत करता है। बातचीत करने के माध्यम से वह अपनी सेवाओं को और अपनी वस्तुओं को बेचता है। इसे प्रत्यक्ष विक्रय भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को, इस बात को हम लोग प्रत्यक्ष विक्रय भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में विक्रयकर्ता अपनी विक्रय कला के माध्यम से ग्राहक को प्रभावित करता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं को बेच देता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है किसी भी वस्तु को व्यक्तिगत रूप में बेचने का, पर्सनल सेलिंग का, इसमें क्या होता है, कोई भी विक्रयकर्ता, जो भी सेलर है, वो क्या करता है, जिस वस्तु को बेचना चाहता है और जिस व्यक्ति को, यानी ग्राहक को, जो वस्तु बेचना चाहता है उस ग्राहक को अपनी बातों में फंसाता है और उसे प्रभावित करता है कि वह व्यक्ति उसकी वस्तु को खरीद सके, खरीदे और उसकी सेवाओं को भी खरीदे। वर्तमान समय में व्यक्तिगत विक्रय में वस्तुओं जैसे कुर्सी, मेज, मशीन एवं सेवाओं जैसे इंश्योरेंस यानी बीमा आदि को व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से बेचा जाता है। वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे और जानेंगे, कोई भी LIC का एजेंट है, वह आपके घर पे आता है तो तमाम तरह की बातें बताता है, डराता है कि आप नहीं रहेंगे तो ये हो जाएगा, गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, तमाम तरह की बातें बताता है, फिर आपसे वो इंश्योरेंस करवा लेता है। तो क्या कर रहा है, वह अभी यहाँ पे पर्सनल सेलिंग का प्रयोग कर रहा है, आपको अपनी बातों में फंसाता है, प्रभावित करता है। आप क्या करते हैं, उसके इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद लेते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विक्रय की परिभाषा के बारे में, यानी वैयक्तिक विक्रय की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसमें दो परिभाषाएं हैं, दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। पहला है रिचर्ड बस्किर्क के अनुसार, ये कहते हैं कि वैयक्तिक विक्रय वह विक्रय है जिसमें किसी वस्तु के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी वैयक्तिक विक्रय यानी व्यक्तिगत विक्रय है, वह एक ऐसा विक्रय है, ऐसा सेलिंग प्रोसेस है जिसमें किसी भी वस्तु को खरीदने वाले जो क्रेता हैं, जो संभावित क्रेता हैं, जो किसी वस्तु को खरीद सकते हैं आने वाले समय में, उनसे क्या होता है, जो भी विक्रय करता होता है वो क्या करता है, व्यक्तिगत संपर्क बनाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा है कंडिफ एवं स्टील के अनुसार, ये कहते हैं कि वैयक्तिक विक्रय मूलतः संचार की एक विधि है। कहने का मतलब है, संचार की एक विधि का मतलब क्या होता है,
कम्युनिकेशन यानी दो और दो से अधिक लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है किसी वस्तु को खरीदने और बेचने का। इसमें न केवल व्यक्तिगत किंतु सामाजिक व्यापार भी सम्मिलित होता है। सामाजिक व्यापार तो सम्मिलित होगा ही ना, क्योंकि जब कोई भी विक्रयकर्ता किसी भी वस्तु को बेचना चाहेगा तो किसी सिंगल पर्सन से थोड़ी ना बेचेगा, वो समाज के तमाम तरह के लोगों को वह अपनी वस्तु क्या करेगा, बेचेगा। प्रत्येक व्यक्ति आमने सामने यानी विक्रेता एवं संभावित क्रेता एक दूसरे को प्रभावित करता है। जो भी क्रेता और विक्रेता होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भाई साहब, जो विक्रेता होता है उसका पहला मोटिव होता है अपनी वस्तु को बेचना, और दूसरा मोटिव होता है अपनी वस्तु को रिजनेबल प्राइस से बेचना कि जो भी ग्राहक है वो तैयार हो जाए। और जो ग्राहक है वो समझता है, सोचता है कि हम सस्ते से सस्ते दाम पर इस वस्तु को खरीद लें। अब बात करते हैं आगे व्यक्तिगत विक्रय के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसमें कुछ बातें कही गई हैं, उसको समझ लेते हैं। पहला है वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री करना, यह कार्य है यानी मेकिंग सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है ग्राहकों की सेवा करना यानी सर्विस टू कस्टमर। ग्राहक की सेवा कैसे होगी, क्योंकि ग्राहक किसी दुकान तक नहीं जा रहा है, जो विक्रय करता है वह स्वयं ग्राहक के पास जा रहा है। ग्राहक को कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर सेवा हुआ ना। तीसरा है विक्रय का रिकॉर्ड रखना यानी कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द सेल्स, तो रिकॉर्ड रखा जाता है। चौथा है प्रशासनिक कार्य यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। पांचवा और अंतिम है ख्याति में वृद्धि यानी डेवलपिंग गुडविल, गुडविल बढ़ता है व्यक्तिगत विक्रय से। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत विक्रय या फिर वैयक्तिक विक्रय का महत्व या लाभ के बारे में। इम्पॉर्टेंस आर एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या होता है उसको समझते हैं। पहला है ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि, ग्राहकों को बहुत संतुष्टि मिलती है। भाई साहब, उनके द्वार पर कोई भी विक्रेता है, सामान लेकर के आएगा, उसकी गुणवत्ता बताएगा, वो क्या करेगा, जो ग्राहक होगा अपने हिसाब से मोल भाव करेगा, तो यहाँ पर उसको संतुष्टि मिलेगी ना। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स। दूसरा है वस्तु का प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट। यहाँ पर जो वस्तु है उसका प्रदर्शन होता है, भाई देखो मैं ये वस्तु बेचना चाहता हूँ, विक्रयकर्ता कहता है। यहाँ पर वह क्या करता है, अपनी वस्तु का प्रदर्शन करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कुर्सी बेचने वाले आते हैं, क्या करते हैं, कुर्सी को जमीन पर पटक के बताते हैं कि देखो मेरा कुर्सी टूट नहीं रहा है। प्लास्टिक के जो भी सामान बेचने वाले लोग आते हैं उस तरीके से करते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपनी वस्तु का प्रदर्शन कर रहे हैं पर्सनल सेलिंग में। इससे क्या होता है, ग्राहक। तीसरा है भावी ग्राहकों का पता लगाना, पिन पॉइंटिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। इससे क्या होते हैं, जो भावी ग्राहक होते हैं उनका भी पता लग जाता है। चौथा है शंकाओं एवं आपत्तियों का समाधान करना, मीटिंग डाउट एंड ऑब्जेक्शंस। जो भी शंकाएं होती हैं और आपत्तियां होती हैं किसी भी कस्टमर की, उनका समाधान करेगा तभी ना वो अपनी वस्तु को बेच पाएगा विक्रयकर्ता। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पांचवा है समय समन्वयन यानी टाइम कोऑर्डिनेशंस। आठवां है बिक्री का प्रभावशाली अस्त्र यानी इफेक्टिव टूल्स ऑफ सेल्स। हम बात करते हैं व्यक्तिगत विक्रय के दोष या सीमाओं के बारे में यानी मेरिट्स आर लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसमें कुछ बातें हैं उसको आप लोग समझेंगे। पहला है सही समय में उपस्थित होने में कठिनाई यानी डिफिकल्टी इन रीचिंग एट राइट टाइम। सही समय पर विक्रयकर्ता पहुंच ही नहीं पाता है वस्तु को बेचने के लिए, क्योंकि उसे हर व्यक्ति को प्रभावित करना पड़ता है जिसे वह सामान बेचना चाहता है, तो टाइम कंज्यूम होता है इसमें। दूसरा है ऊंची लागत यानी हाई कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। जो भी विक्रयकर्ता होता है उसे भी सैलरी देनी पड़ती है ना। तीसरा और अंतिम है अच्छे विक्रयकर्ता का अभाव यानी लैक ऑफ गुड सेल्समैन। इस बात को भी आप लोग समझेंगे।
मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि वैयक्तिक या व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग मार्केटिंग के और भी बहुत सारे वीडियो देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।